नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि यहां पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट खाता है या फिर यहां पर प्राइवेट बैंक खाता है और दोस्तों आपने अपने बैंक खाते पर एक एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड अप्लाई किया है और दोस्तों आपका डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है, तो दोस्तों इसके क्या कारण है जिस वजह से आपका डेबिट कार्ड लेट हो जाता है आपके पास आने तक, यानी कि आपके पास यहां पर एटीएम कार्ड क्यों लेट होता है, इसके यहां पर सारे रीजंस हम देखने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी अगर आपका कार्ड लेट हो जाता है, एक महीने दो महीने हो जाते हैं, तो फिर उसको आपको कैसे मिलेगा वो कार्ड, ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए, पूरी डिटेल में यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो अधिकतर ये इश्यूज आता है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो यहां पर हमें SBI, PNB जो भी गवर्नमेंट बैंक है इनमें ज्यादा इश्यूज आते हैं, ये मतलब इनमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है जिसमें हमारे डेबिट कार्ड लेट हो जाते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो पे काफी कमेंट्स आते हैं जो मैंने पहले एटीएम कार्ड अप्लाई करने की, ठीक है, वीडियोस बना रखी है, उस पर ये कमेंट्स आता है कि मेरा एटीएम कार्ड अभी तक नहीं आया है, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, कैसे होगा। तो दोस्तों इसके सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और साथ ही सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियोज मिलती रहती है। जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिल जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और दोस्तों साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर लो, दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। क्योंकि अगर आप मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसका रिप्लाई इंस्टाग्राम पर जरूर करूंगा मैं, और साथ ही टेलीग्राम पर आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं, दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर फॉलो कर दो। अब चलते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, चाहे वो PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई सा भी बैंक हो, ठीक है, यहां पर आपने एक डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, आप बैंक गए, वहां पर आपने फॉर्म फिल किया और उस बैंक में सबमिट कर दिया। अब जो बैंक का नियम होता है कि एटीएम कार्ड जो है यानी कि डेबिट कार्ड है, वो 10 से 15 दिन के वर्किंग डेज में यानी आपके घर तक आ जाता है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है उसमें 10 से 15 दिन लगते हैं, वर्किंग डेज माने जाते हैं 10 से 15 दिन। अभी वर्किंग डेज के ऊपर भी बात करेंगे, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर जो 10 से 15 डेज होते हैं इनमें प्रोसेस होता है जब आपका वहां से डिस्पैच होता है और आपके घर तक आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि जो मैंने बोला अभी वर्किंग डेज, तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए आपने सोचा कि आपने आज एटीएम कार्ड अप्लाई किया, ठीक है, और आपने सोचा 15 दिन के बाद मेरे घर पर मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभी 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं कि दोस्तों जो वर्किंग डेज माने जाते हैं वो जब माने जाते हैं, जैसे कि आज बैंक खुल रहा है, ठीक है, ऑफिस डेज है, तो उसमें जो वर्किंग डेज होते हैं, यानी एक तरीके से मान लीजिए कि कोई छुट्टी या हॉलीडेज ना हो, ठीक है, उन्हें हटाकर जो भी दिन होते हैं वो वर्किंग डेज होते हैं, बीच में एक वीक की छुट्टी बैठ गई या फिर सैटरडे संडे बैठ गया, तो उन्हें काउंट करके लगभग 10 से 20 दिन माने जाते हैं, तब जाकर वो 20 दिन मान लेते हैं, तो इस वजह से ही वो 15 वर्किंग डेज माने जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर एक एक महीना दो दो महीने तक डिले हो जाता है, तो उसको यहाँ पर कैसे आप उसे सॉल्व करोगे, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। दोस्तों उसका रीज़न ये है कि कभी कभी जब हम फॉर्म फिल करते हैं, बैंक में सबमिट कर देते हैं, तो बैंक की तरफ से या तो वो फॉर्म मिस हो जाता है, ठीक है, मिस होने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने वो फॉर्म भरकर बैंक में दिया, बैंक ने उसका प्रोसेस वहां पर कंप्लीट स्टार्ट ही नहीं किया और वो फॉर्म जो है इधर उधर मिस हो गया। तो एक बार आपको बैंक में जाना है और वहां पर जाकर सारी बात कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर और रीजन के ऊपर बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म फिल करके दिया, बैंक ने तो यहां से सारी रिक्वेस्ट आपकी सबमिट कर दी, अब जो हेड ब्रांच तक है वहां तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंच भी गई, लेकिन जो रीजन होते हैं वो ये निकल कर आता है कि जो हेड ब्रांच है वहां पर एटीएम कार्ड की शॉर्टेज चल रही होती है, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको जो है पर्सनलाइज एटीएम कार्ड ही दिए जा रहे हैं और पर्सनलाइज एटीएम कार्ड को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो नॉन पर्सनलाइज एटीएम कार्ड होते थे वो हैंड टू हैंड मिल जाते थे आपको, PNB में ये सुविधा थी और भी बैंकों में ये सुविधा थी, ठीक है, वहां पर आपको क्या होता था, आप बैंक जाते थे फॉर्म जमा करते थे भरकर और आपको हैंड टू हैंड एक जो है एटीएम कार्ड दे दिया जाता था। नॉन पर्सनलाइज में ये था कि उस पर आपका नाम नहीं आता था, लेकिन पर्सनलाइज में जो है आपका नाम सब कुछ आता है, ठीक है, और चिप वाला आपको एटीएम कार्ड अब मिल ही रहा है जैसे कि, तो उस पर सारी डिटेल आपकी फैच हो जाती है। तो दोस्तों यही नॉन पर्सनलाइज और पर्सनलाइज में अंतर था। तो दोस्तों अब जहाँ यहाँ पर सारे पर्सनलाइज एटीएम कार्ड ही आ रहे हैं, यानी कि आपकी डिटेल वहां पर प्रिंट होकर आ रही है आपके नाम के साथ कार्ड पर, तो दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा हेड ब्रांच जो होती है वहां पर जहां भी ये एटीएम कार्ड को पैकेज किया जाता है, ठीक है, आपका यहां पर जो एनवेलप आता है आपके घर बाय पोस्ट, वो एक तरीके से पैक करके उसमें एटीएम कार्ड डालकर उसकी सारी डिटेल फैच करके, तो वहां पर
उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, और कभी कभी जो एटीएम कार्ड है वो जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ से थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाती है, जिस वजह से कार्ड्स कमी पड़ जाती है, तो इसी वजह से आपका कार्ड ऊपर से ही डिले हो जाता है, यानी कि एक महीना दो महीने का टाइम लग जाता है, जिसके कारण आपका केटीएम कार्ड थोड़ा सा लेट हो जाता है। एक रीज़न तो ये बता दिया मैंने आपको, और रीज़न के ऊपर बात कर लें जाए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कार्ड 15, 20 या एक महीने तक वेट कर लीजिए नहीं आया है, तो आपको बैंक जाना है। वैसे तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर ही बैंक में चले जाना है, 20 दिन के बाद वहां जाकर पूछना है कि मेरा एटीएम कार्ड क्यों नहीं आया। ठीक है, वो बताएंगे। ठीक है, आप बता देना उन्हें कि मैंने अपने अकाउंट पर एक एटीएम कार्ड अप्लाई किया था, आप इसकी डिटेल चेक करके बताइए, तो वहां पर, या फिर मुझे अपना एक उसका जो डिस्पैच नंबर होता है वो दे दीजिए। वैसे तो आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा एसएमएस के द्वारा, लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता है, तो आपको बैंक जाकर वहां से वो डिस्पैच नंबर ले लेना। उस डिस्पैच नंबर की मदद से आपको, ठीक है, इंडियन पोस्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, वहां पर इस प्रकार से नंबर डाल के वहां सर्च कर लेना है। तो दोस्तों वहां से आपको अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी डेबिट कार्ड की, वो कहां तक पहुंचा है, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जब पता चल जाएगा वहां पर भी आपको कि ये जो एटीएम कार्ड आपके नजदीक है, कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, तो वो इस वजह से भी डिले हो जाता है कभी कभी। और दोस्तों साथ ही अब मैं बात कर लेता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने जो है अपने बैंक में डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल्ली आपका जो है डिस्पैच भी हो गया है। अब दोस्तों क्या होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो आपके नजदीक पोस्ट ऑफिस तक आ जाता है, और जो क्या होता है कि आपका पोस्टमैन होता है उसके पास भी वो डेबिट कार्ड आ जाता है। लेकिन दोस्तों पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन को कभी कभी आपके जो है नाम का पता नहीं होता है, ठीक है, आपके घर की लोकेशन का नहीं पता चल पाता है, जिस वजह से उसे क्या होता है कि वो गलत हाथों में ना चला जाए एटीएम कार्ड, वो उसे रिटर्न कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी आपको जब भी अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करें तो जो भी आपके एरिया का पोस्टमैन है उसे आपको इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा एक डेबिट कार्ड है, आएगा इस नाम से, तो आप मेरे घर पर ही दे देना। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पता चल पाता है नाम, एक अधिकतर ये शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। अपने पोस्टमैन को यहाँ पर पहले से ही बता देना है कि इस नाम से मेरा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड आएगा, मेरे घर पर दे देना, वरना वो उसे रिटर्न कर देगा, वो फिर वहीं रिटर्न होकर जहाँ से आया था हेड ब्रांच से वहाँ चला जाएगा, फिर आपको फिर उसकी वजह से आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में जाकर पता करना पड़ेगा इसका रीज़न क्या हुआ, तो वो बताएंगे कि वो रिसीव ही नहीं कर पाए आप, उसका जो है डिलीवरी फेल्ड हो चुकी है। तो इस वजह से भी आपको बैंक जरूर जाना है जब भी आपका एटीएम कार्ड नहीं आता है, एक महीना हो जाए, दो महीना हो जाए, ठीक है, वेट कर लेना है आपको, थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, लेकिन आपको बैंक जरूर जाना है। बैंक में बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिलेगा, आपको जाके बताना है मैंने इस तारीख को एटीएम कार्ड अप्लाई किया था, 20 से 25 दिन या एक महीना हो गया है, अभी तक नहीं आया है, बताइए क्या इसकी सिचुएशन है, कहां पर है ये, ठीक है, इस तरीके से बात करनी है आपको बैंक में जाकर, वरना आप अपना डिस्पैच नंबर लीजिए उनसे, वो डिस्पैच नंबर जरूर देंगे आपको, या फिर आप अपने एटीएम कार्ड की एग्जैक्ट पोजीशन पूछे कि क्या है, वो वहां से डिस्पैच हुआ है, फेल्ड हुआ है, क्या है, सब कुछ बताइए। अगर वो फेल्ड हो जाता है तो आप उसको फिर से अप्लाई कीजिए, दोबारा अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपका एटीएम कार्ड जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि इसका मेन सोल्यूशन ये है कि आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा, वहां जाकर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस रीजन की वजह से वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों अगर डिस्पैच नंबर दे देते हैं तो इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिए, फिर वो ऊपर से ही डिले है, थोड़ा सा एटीएम कार्ड की शॉर्टेज चलती है ऊपर, ठीक है, वो इस वजह से होता है कि ज़्यादा जब बल्क में एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट आ जाती है तो उन्हें बनाने में भी बहुत समय लगता है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वे, नाम के साथ प्रिंट होते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं आते हैं कि हाँ सबका एक सा ही बनाना है, सबका नाम अलग अलग होता है, इसलिए प्रिंट होकर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, डिले हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी का कारण है कि आपका एटीएम कार्ड डिले होता है। तो दोस्तों आपको मैंने सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं, अब भी कोई रह गया हो तो यार मुझे माफ़ करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एटीएम कार्ड क्यों डिले हो रहा है। आप ब्रांच जाइए, उनसे सॉल्यूशन पूछिए कि मेरा एटीएम कार्ड की क्या पोजीशन है, ये चीज़ पूछनी है आपको उनसे, डिस्पैच नंबर लेना है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ वीडियो में। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो की मदद से कुछ हेल्प हुई है, आपका एटीएम कार्ड आपके घर तक पहुंच गया है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।